और इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं। दरअसल बंगाल में हो रही लगातार हिंसा की घटना सामने आने के बाद वो कोलकाता पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे के बाद से ही राज्य में हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि अब तक बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। इस बीच हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जेपी नड्डा आज बंगाल पहुंचे हैं। मंगलवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे जेपी नड्डा संवाददाताओं से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी, मैं देखने आया हूं और उन कार्यकर्ताओं के साथ हूं जिन पर हमले हुए हैं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम टीएमसी के अराजकता से प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश और राहुल सिन्हा समेत कई नेताओं के साथ बैठक भी की है। बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस आइडियोलॉजिकल बैटल एंड द एक्टिविटीज ऑफ टीएमसी विच इज फुल ऑफ इनटॉलरेंस एंड वी आर रेडी टू फाइट डेमोक्रेटिकली, प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में।
और निश्चित रूप से उनका उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी, उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़कर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे।